13 किलोमीटर एयरपोर्ट भी काम आएगा आप सब। जोया एयरपोर्ट का नजारा कुछ है, तो चलते हैं अभी। गुड मॉर्निंग, दिस इज स्वेल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस बहुत दिनों के बाद दोस्तों के साथ गुवाहाटी में जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और दिल को बड़ा मतलब क्या बोलूं, मतलब जबरदस्त। और हम वहां जाके बहुत सारी मस्ती मजाक एंजॉय करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, मजा आने वाला है। बहुत ही खास दोस्त मेरा भाई सलमान, कैसे है भाई? कैसे है? बढ़िया बढ़िया। हमारा एक भाई आ रहा है, उसको पिकअप करने के लिए हम जा रहे हैं सीधा एयरपोर्ट। सब्सक्राइब नहीं करने का। आज का जो मौसम है भाई, एक नंबर बढ़िया। ये ऊपर देखिए बादल, सुहाना बारिश का मौसम है। हम लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, चलो जुड़े रहो हमारे साथ, लेट्स गो। सुपर सुपर एक नंबर। तो भाई कितने दिनों के बाद हम जा रहे हैं गुवाहाटी में, बहुत दिन बाद जा रहे हैं, मजा आ रहा है नहीं भाई? ओ भाई साहब एक नंबर। आप भी वीडियो देख के मजे लो और चले चलते हैं, आगे का सीन भी दिखाते हैं। तो लेट्स गो गाइस, यो मैन, गो 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 बाय। तो अभी पेट पूजा करने का टाइम है, मतलब बहुत भूख लग रहा है। सुबह 6 बजे कॉल करके उठा दिया भाई, मतलब 8 बजे उठने से भी हो सकता है, लेकिन उसने 6 बजे कॉल करके उठा दिया। थोड़ा निन्नी सा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी तो आ गए, मजे भी कर रहे हैं, एंजॉय पूरा रास्ता एंजॉय करके आए। वीडियो में देखे होंगे, अभी नाश्ता आ गया भाई, नाश्ता ले लो, अपना खाना खा लो भाई। सो गाइस, आज का नाश्ता मतलब पंजाबी परांठा और दाल और ये सब्जी अचार भाई, बहुत मस्त है। आप लोग भी आओ एक बार, आके इधर खाके मतलब बहुत टेस्ट आता है। आप लोगों को भी दिखा रहे हैं, आप लोग भी आओ खाओ मजा लो। जगह नहीं तो हम पीछे बैठ गए। एक नंबर का रायकोस है भाई, पूरा रायकोस कैसे खा रहा है देखो, लग रहा है मतलब 2 महीने से कुछ नहीं खाया है। टेस्ट कर लेते कैसा हुआ है। भाई बढ़िया बढ़िया भाई, एक नंबर। बहुत भूखा है भाई, खाया नहीं, मस्ती करते करते गाड़ी में और ज़्यादा भूख लग गया अभी, इसीलिए आस्ता देखो कितना चाय लेके बैठा हुआ है। नहीं भाई, एक पंजाबी परांठा और सब्जी दाल, बस यही है, मतलब सिंपल नाश्ता होना चाहिए। आज चाय पीते अभी। चेयर्स 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 भाई, एक नंबर आंटी बना के देती है, मस्त बढ़िया चाय। और आज भाई मौसम बहुत खराब है, मतलब पूरे रास्ते में बारिश हो रहा था, तो साउंड में थोड़ा नॉइस आ सकता है, तो इसको इग्नोर करिए फिलहाल। अभी तक बारिश हो रहा है, पता नहीं आज क्या हो गया है। घर से निकला तभी बारिश, मतलब अभी भी बारिश हो ही रहा है, कंटिन्यू बारिश चल रहा है, लेकिन मजा भी आ रहा है भाई, क्या बोलूं। नाश्ते के लिए भाई बढ़िया है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा। इसका चाय जो मिलता है ना भाई साहब, एक स्पेशली चाय पीना है ना, तो आप इधर आइए, जो चाय बनाते हैं ना आंटी, मतलब एक क्लास चुम्बेश्वरी चाय। गाइस अभी हम जागीर रोड क्रॉस कर रहे हैं। जागीर रोड का जो पेपर मिल है अभी गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो गया, एक्सप्लोर करेंगे एक बार जागीर रोड टाउन में, दिखाएंगे आपको भी, और भी मजा आएगा भाई। अभी तो फिलहाल रोड ट्रिप देखिए कितना मजा आ रहा है भाई, पूरा बहुत मतलब तकलीफ कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, आगे और कुछ मजेदार देखने को मिले। बस अपने भाई को सपोर्ट करो और आगे लेके जाओ। ऊपर से ट्रेन चलेगा और नीचे से गाड़ी हमारे चलेंगे, तो फिर क्या मजा आ जाएगा। भाई साहब मतलब इतना लंबा ट्रैफिक, वो भी जुराबाद में, बस 1 किलोमीटर बाकी है हम खानापाड़ा पहुंचने के लिए। ये देखो एम्बुलेंस इधर खड़ा हुआ है, ये लोग मतलब साइड ही नहीं दे रहे, ये कोई साइड नहीं दे रहा, सामने भी बहुत जाम है इसलिए। हाँ जाम तो है, लेकिन फिर भी साइड दे सकते हैं ना भाई, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्यों? अगर आप साइड नहीं दोगे तो वो एम्बुलेंस कहाँ से जाएगा? पीछे ये देखिए, देखिए ये क्या है, मतलब ये कैसा ड्राइविंग, मतलब इन लोगों को मतलब कौन लाइसेंस कौन देता है, पागल लोग है ना, कहते हैं ना पागल। इसका नंबर देखिए 01DK6376। ये देखो ये भाई हमारे इंडियन का हैवी ड्राइवर बोलते हैं ना ये। अभी बोर लग ले, मतलब ट्रैफिक में फंसा हुआ है, इसीलिए मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 4 घंटा से पूरा नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहा है भाई, मेरे को बोला कि भाई तू चला, अभी मैंने बोला भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। पहाड़ों के बीचों बीच ये है हमारा गुवाहाटी सिटी। अभी हम सिटी में नहीं जा रहे, लेकिन हाँ नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरा गुवाहाटी सिटी दिखाएंगे,
डे लाइफ, नाइट लाइफ, वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। ये देखिए, ट्रैफिक के वजह से आपको एक चीज़ दिखा नहीं पाए, लेकिन हाँ, गुवाहाटी का ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो है हमारे गुवाहाटी का सबसे बड़ा स्टेडियम, जहाँ पे ISL जैसा मैच होता है, जो हम देखने के लिए हर एक साल आते हैं यहाँ पे। और भी कुछ दिखाएंगे, और भी कुछ बताएंगे हमारे गुवाहाटी के बारे में। तुरंत लग्जरी होटल्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ताज होटल, रेडिसन ब्लू होटल और ओबेरॉय जैसे होटल भी आपको मिल जाएंगे। आसाम के बाहर रहने वाले कुछ लोग सोचते हैं हमारे आसाम के बारे में कि हमारे आसाम बहुत ही छोटा सिटी है, इसमें कुछ नहीं मिलता और इसमें देखने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे सोचते हैं। मतलब लोग सोचते हैं तो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है सिटी। हाँ, ये भी सच है, लेकिन ऐसा नहीं है। आसाम में आओ कभी घूमने, आसाम के बारे में पता चलेगा, इसका नेचर, मतलब इस यहाँ का लोग कितना दिलेरा है, मतलब क्या बोलूँ आपको। एक बार आइए, विजिट करें। यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे भाई लोग हैं जो बाहर घूमते हैं आसाम के बारे में, वो लोग बताते हैं, वो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा है ऐसे आसाम के बारे में, अच्छे अच्छे चीज़ें दिखा रहे हैं वो लोग, ये अच्छी बात है, हमारे स्टेट जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर के लोगों को। सो गाइज, अभी तो हम जालुकबारी पहुँच गए, इधर से ज़्यादा दूर नहीं है, 13 किलोमीटर एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। बहुत टाइम हो गया कुछ नहीं खाया, तो सोचा कि चाय मार लेते हो, तो उतर गए गाड़ी से। भाई साहब, आज ट्रैवलिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग है, क्या बोलूँ आपको। और भाई के साथ जुड़े रहिए और आगे इनवर्स भी देखेंगे आप लोग, और आगे लाइक अच्छा लाइक करो, सब्सक्राइब लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, अपनी भाई बहनों जितना है सभी को बोलो, भाई को सपोर्ट करो, आगे ले जाओ, एक दिन ये भाई भी काम आएगा आप सब लोग। हाँ भाई, थैंक यू, बस दुआ करो और साथ दो, पूरा आसाम को एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे। बारिश के मौसम में बहुत सेफली गाड़ी ड्राइव करना पड़ता है, बारिश के लिए आज थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो 3 घंटे में हम गुवाहाटी पहुंच जाते आराम से, वो भी स्लो 30 के स्पीड में, सीधा एयरपोर्ट में जाके मिलते हैं आपको। वो जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा मतलब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ही है, ये है हमारा एयरपोर्ट रोड। अभी हम एयरपोर्ट रोड एंट्री कर दिए, जालुकबारी से 10 मिनट लगता है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई एयरपोर्ट पहुँचने में, तो यही है सीन। तो यहाँ से राइट ले लो भैया, राइट से सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और गाइस, मेरा नाम है सुहेल और मैं आसाम से बिलोंग करता हूं, और मैं थोड़ा आसामीस लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं। तो अपना लोगों की खबर भले आसे ने, मैं ब्लॉग बनाया सो एटू कारणे जाते माने पूरा इंडिया टू माने अमर अहोम टुक अमर नॉर्थ ईस्ट टुक जाते सबो पारे आमी एक्सप्लोर करिम एई चैनलर जरियते माने अपना लोगों एक्सप्लोर करि देखाबो पारु माने अमर अहोम टुक केनेका होय की होय अमर अहोमत की आसे की नाय। সাপোর্ট করক আর বেশিকে লাইক সাবস্ক্রাইব বেশিকে করক, আর বেশি দূর নাই, আমি এয়ারপোর্ট পাই যাম এই সাক। তো গাইজ, ইয়ে হে আমারা এয়ারপোর্ট কা নজারা কুছ এসে হে, বহুত হি মস্ত বড়িয়া লাগ রহা হে ভাই, আর ইয়ে হে সামনে কা নজারা কুছ এসা মস্ত বড়িয়া এক নম্বর। बिल्कुल सामने जाते हैं, ये है एयरपोर्ट का मेन एग्जिट गेट, जहाँ से एयरपोर्ट के अंदर से बाहर ये देखिए लोग आ रहे हैं, और लेफ्ट में मेरा दोस्त ये है फैसल, और ये है नज़ारा कुछ ऐसा। तो चलते हैं अभी, तो अभी हमारे अंकल आ गए हैं, तो अभी हम चलते हैं रवाना करते हैं। तो ये है हमारा एयरपोर्ट का सीन कुछ ऐसा है, तो गाइज चलते हैं और आगे दिखाते हैं। तो फिलहाल गाइज, अभी हम जागीर रोड में है, जागीर रोड पहुँच के रिटर्न घर जा रहे हैं अभी। तो अभी भूख लग रहा है, सोचा कि भाई थोड़ा कुछ अभी थोड़ा बोर हो गया, अभी थोड़ा रिलैक्स होते हैं हम लोग, अभी कुछ खा के स्टिंग विस्टिंग थोड़ा एनर्जी डाल देते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं रंगलू, और रंगलू से सीधा घर जाएंगे, और लेट नहीं करेंगे भाई, आज का ब्लॉग में बहुत धमाल हो गया भाई। अभी जस्ट हम पहुंचे हैं घर, घर के सामने ही है, लेकिन मेरा घर नहीं, मैं अभी मेरे दोस्त के घर अभी जस्ट आया हूँ। अभी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भेजो, भाई को भेजो, बहन को भेजो, सबको भेजो और भाई को सपोर्ट करो। हाँ बिल्कुल, एक दिन हमारा भाई भी काम आएगा आप सबका, बेशक बेशक, भाई को सपोर्ट करो। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ऑल द बेस्ट। ओके, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, धमाका होने वाला है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, चिल देन, टेक केयर।